अपोजिशन बाहर निकलेगी तो शिकस्त होगी। गद्दारी का मुकदमा बदर रशीद ने दर्ज कराया। वजीर आजम का ताल्लुक नहीं, हो सकता है बदर रशीद तहरीक इंसाफ का कारकुन हो। मैंने वोट दिया है नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। पीपल्स पार्टी ज्यादा देर अपोजिशन के साथ नहीं चलेगी। वजीर रेलवे शेख रशीद का दावा, कहा अपोजिशन को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मुस्लिम लीग शीन बनकर रहेगी। मरियम नवाज जब तक मेरे बारे में कुछ नहीं कहती मैं उनका एहतराम करूंगा। उनका ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। आजाद कश्मीर का वजीर आजम वैसे ही वहां रो रहा था, पता नहीं क्यों रो रहा था, क्या हो गया, कौन मरमरा गया था। मेरी तरफ से भी जब तक मरियम नवाज एक खातून है मैं उसका आखिरी वक्त तक एहतराम करूंगा जब तक वो मेरे बारे में कुछ नहीं कहेगी। अपोजिशन का इत्तेहाद मैं 10 दफा कह चुका हूँ, 31 दिसंबर, ज्यादा से ज्यादा 20 फरवरी मैंने डेट दी है। पीपल्स पार्टी किसी सूरत में ज्यादा देर नहीं चलेगी। मुस्लिम लीग शीन बन के रहेगी। मैं जो डेट दे चुका हूँ 31 दिसंबर से 20 फरवरी तक की, मुस्लिम लीग शीन बनेगी। अकलमंद लोगों को पता है कि मैंने शीन शहबाज के बारे में नहीं किया। शहबाज बड़ा समझदार आदमी है, सोच समझ के सेल्फ प्रोटेक्शन में अंदर चला गया ताकि काम ना करना पड़े। नवाज शरीफ से बैरून मुल्क लाने के लिए पूरी एम्बेसीज आज भी कैबिनेट में बात हुई है, पूरी कोशिश की जाएगी कि उसको लाया जाए और कानून के हवाले किया जाए।